अच्छा नौवीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। इसके पहले आपने सामाजिक विज्ञान में संविधान निर्माण का पाठ का अध्ययन किया और कुछ प्रश्न उत्तर भी देखे, एक नंबर और दो नंबर की। आज आप उसके आगे के प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्माण के कुछ आपको लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आप उनको देखेंगे और उनका अध्ययन। तो संविधान निर्माण, इसके पहले आपने देखा था संविधान निर्माण क्यों किया जाता है, संविधान निर्माण क्या है। अब आज आप देखोगे रंगभेद से क्या आशय है। रंगभेद ये दक्षिण अफ्रीका की जो संविधान निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था, ये रंगभेद, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम था जो दक्षिण अफ्रीका के विशेष तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण यह अर्थव्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों के लिए, मतलब जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या की थी, ला दी थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। तो आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि रंगभेद से क्या है, तो रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका विशिष्ट तौर पर चलाई गई, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी। फिर इसके परिणाम क्या हुए, वहां पर रंगभेद के परिणाम हुए, वहां पर शासकीय नीति पर आश्वेत, मतलब खासतौर पर दमनकारी थी, वहां पर बस्तियों में रहने लोग, मतलब जो बस्तियों में लोग रहते थे उनको रहने बसने की इजाजत नहीं थी, और उनको अगर रहना हो वहां पर तो परमिट होने पर ही वहां जाकर वो क्या कर सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे। फिर दूसरा है इसका, वहां पर रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, कॉलेज और पुस्तकालय, सिनेमाघर, थिएटर, ये सब क्या थे, तरुणताल, सार्वजनिक शौचालय तक यहाँ पर गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग थे। वहां पर मतलब जो भी इंतजाम थे गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग, तो वहां पर जो ये सारी व्यवस्थाएं कैसी थी, अलग अलग थी। इसे पृथककरण या अलग अलग करने की व्यवस्था कहा जाता है। फिर तीसरा है, काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह में गिरजाघर तक में भी नहीं जा सकते थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के जो गिरजाघर थे, मतलब जो धार्मिक स्थल थे, वो भी वहां पर नहीं जा सकते। आश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभाव व्यवहार करने पर विरोध करने का, मतलब जो वहां के आश्वेत थे उनको न संगठन बनाने का अधिकार था न उसका विरोध करने का अधिकार था। तो ये हो गया रंगभेद से क्या आशय है, और रंगभेद के तो वहां पर जो अफ्रीका था वहां पर क्या परिणाम थे, तो ये चार परिणाम हुए। इसके बाद है समाजवादी राज्य से क्या आशय है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो समाजवादी मतलब समाज में जो व्यवस्थाएं होती हैं उस पर आधारित होती हैं। तो समाजवादी राज्य मतलब राज्य में आशय है भारतीय अर्थव्यवस्था जो समाजवादी ढांचा सामंतवादी ढांचा क्या होती है आधारित होती है, और यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, और परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को अपनाया, मतलब समाजवाद है वो परिस्थितियों के अनुसार उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं। फिर है पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है, पथ निरपेक्ष से, पथ मतलब किसी भी, मतलब जो निरपेक्ष राज्य का जो आदर्श रखा जाता है मार्ग पर, संविधान के पथ पर निरपेक्ष राज्य का एक आदर्श रखा गया, राज्य सभी पंथों के समान रूप से क्या करेगा, रक्षा करेगा, पंथ को राज्य के धर्म के रूप में, वही मतलब जो वहां का राज्य है वहां धर्म के रूप में नहीं मानेगा, जो भी राज्य में जो पंथ होते हैं वह राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा, क्योंकि वहां पर सरकार और नागरिक के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब जो वहां की सरकार होती है और जो वहां के सब नागरिक होते हैं उनके बीच में, मतलब सरकार द्वारा
ये हो गया आपका समाजवादी राज्य क्या आशय है और पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। ये छोटे छोटे प्रश्नों में तो आप अगर पूछा जाए समाजवादी राज्य से एवं पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है तो आपको यही लिखना है। फिर संविधान का क्या अर्थ होता है, संविधान कैसा होता है, लिखित नियमों पर इसी प्रकार की किताब है जो राष्ट्र में वहां पर किसी भी देश के लिए संविधान आवश्यक होता है और उसमें कैसा लिखित नियमों से इस प्रकार की किताब है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक समूह के रूप में से क्या करते हैं, दरअसल समूह के रूप में नागरिक क्या करते हैं, मानते हैं। और संविधान कैसा होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मध्य आपसी संबंध क्या होते हैं, तय होने के साथ साथ सरकार के बीच में भी क्या होता है, संबंध होता है। और इसकी जो भूमिका है वह कैसी होती है, निम्नलिखित होती है। तो संविधान के साथ रहने के लिए तरह तरह के लोगों के बीच जरूरी आपसी सहयोग होना आवश्यक है और जिससे वहां पर आपसी सहयोग से वह क्या होते हैं, देश में जो भी अर्थव्यवस्था वो कैसी होती है, विकसित होती है। फिर संविधान निर्माण सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले लेने का अधिकार होगा। संविधान सरकार को अधिकारों की सीमा तय करता है, जो संविधान होता है वो सरकार के अधिकारों की सीमा को क्या करता है, तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं। और संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए और आकांक्षाओं को क्या करता है, अगर किसी भी देश का जो संविधान होगा वहां पर अच्छी समाज और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। फिर है भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं और भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो वहां सबसे पहले भारत के संविधान की विशेषताएं कितनी होती है, पहला है सबसे लिखित संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है, भारतीय संविधान इसकी विशेषताएं, तो वहां का संविधान सबसे पहले है लिखित निर्मित सिद्धांत, लिखित और निर्मित है और ब्रिटेन के संविधान के भांति आलिखित नहीं है। जो ब्रिटिश का संविधान है कैसा है, आलिखित है। फिर दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो जो भारतीय संविधान है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रभुत्व का अर्थ होता है भारत में अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों को सर्वोच्च शक्ति में रखना और लोकतंत्रात्मक का आशय होता है भारत में राज्य सत्ता का स्रोत। भारत गणराज्य ही नहीं, क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तब लोकतांत्रिक मतलब आशय होता है भारत की राज्य सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है, और भारत का गणराज्य भी है। और क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है, यह है संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान में शासन जो भारत की जो प्रणाली है वह कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली करते हैं अपनाई गई है और देश में राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद की कैसे होती है, अधीन होती है। तो भारतीय संविधान में कैसा पहला है लिखित संविधान, लिखित और निर्मित सिद्धांत, दूसरा हो गया संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और तीसरा है संसदीय प्रणाली। जो संसद प्रणाली कैसी है, भारतीय संविधान में शासन की प्रणाली कैसी है, संसदीय प्रणाली को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। फिर उसके बाद है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर की चौथी विशेषता है, भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। यह ना तो पूर्ण रूप से लचीला है और ना पूर्ण रूप से कठोर, यह थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर। अंशता मतलब थोड़ा थोड़ा, लचीला भी और थोड़ा थोड़ा कठोर। फिर यहाँ पर मूल अधिकार।
काम की व्यवस्था। तो नागरिकों के यहाँ पर व्यक्तियों के विकास के लिए यहाँ पे जो मूल अधिकार है वहाँ अनिवार्य होते हैं। तो पांचवी इसकी विशेषता है मूल अधिकार की व्यवस्था। मूल अधिकार एवं नागरिक व्यक्ति के विकास के लिए कैसे है अनिवार्य होते हैं। और भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो भारत का संविधान है, यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, उनकी व्यवस्था की गई है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। जो यहाँ के मूल अधिकार है नागरिक है, उनके अधिकारों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फिर है छठवां संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य पर एक संघ है, मतलब जो भारत है वह राज्य का क्या है एक संघ है। भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और मतलब विभिन्न संघ मिलकर मतलब यहाँ पर शासन की स्थापना की गई है और संविधान में शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित ना करके राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए मतलब सरकार द्वारा विभाजित किया जाता। फिर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। सातवीं विशेषता है भारतीय संविधान की सातवीं व्यवस्था है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवस्था। यहाँ पर भारतीयों को क्या प्राप्त है मूल अधिकार प्राप्त है, रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण यहाँ पर न्यायपालिका को भी स्वतंत्र घोषित किया गया है। तब जो नागरिक है उनको मूल अधिकार की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नागरिकों को और यहाँ पर न्यायपालिका को भी क्या किया गया है स्वतंत्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है उसको भी स्वतंत्र घोषित किया गया है और संविधान न्यायपालिका को पुनर्वलोकन का अधिकार देता है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपका भारतीय संविधान की विशेषताओं में आपको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मतलब न्याय भी होते हैं वह निष्पक्ष उनको स्वतंत्र रखा गया है। फिर इसके बाद है राज्य में नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के नीति निर्देशक तत्व में आठवीं भारत स्वतंत्र संविधान की विशेषता के अंतर्गत आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें राज्य के निर्धारण करने के लिए राज्य के नीति निर्धारण के लिए निर्देशक तत्व कहा गया है। होते हैं आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मतलब कार्यक्रमों को क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा इनको क्या नहीं किया जा सकता परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया जाता है। और ये भारत के तभी तत्व देश के शासन के मूलभूत स्थान रखते हैं। तो राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय द्वारा भी इसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या करते हैं इसको प्रयास किया गया है और ये तत्व देश के शासन की मूलभूत स्थान रखते। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान है यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ के नागरिकों को यहाँ के संविधान में मताधिकार की आयु तो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कैसे हैं प्रदान किया गया है। यहाँ पर 18 वर्ष की आयु सभी नागरिकों को
जो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वंश का या किसी भी लिंग का जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से, यहाँ पर क्या है, सामान्य रूप से इसे वोट देने का या वयस्क मताधिकार प्राप्त, मत देने का अधिकार प्राप्त, तो इसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मता अधिकार। फिर यहाँ पर दसवीं इसकी विशेषता है ठहरी नागरिकता, तो ठहरी नागरिकता को यहाँ पर क्या गया है, अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में ठहरी नागरिकता को अपनाया गया है, तो यहाँ भारत की नागरिक को चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो, कहीं भी रहे, किसी भी राज्य में रहे, तो भारत के नागरिक सभी नागरिकों को कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं वहां पर, और सभी भाग मतलब देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान की कितनी विशेषताएं हैं, 10 विशेषताएं हैं। तो पहला, भारत की संविधान कैसा है, लिखित और निर्मित संविधान है और संपूर्ण संप्रभुता समान लोकतांत्रिक यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। चौथा है यहाँ का जो संविधान है कैसा है, थोड़ा सा लचीला और थोड़ा कठोर, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। फिर इसकी पांचवी विशेषता है यहाँ पर मूल अधिकारों की व्यवस्था, यहाँ पे यहाँ के नागरिकों को कैसे अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार प्राप्त है, और यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। सातवां है यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके बाद है आठवां, राज्य में नीति निर्देशक तत्व है जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर भारतीय संविधान में नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है और उनको मताधिकार की उनकी जो आयु है वह कितनी है, 18 वर्ष निश्चित है। और फिर है यहाँ की जो भारतीय संविधान की दसवीं विशेषता है, यहाँ के नागरिकों को ठहरी नागरिकता प्राप्त है, वह किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर जाकर वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकता है और सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। आज आपने संविधान मतलब रंग भेद से क्या आशय है और उसके क्या परिणाम हुए ये पढ़ा, और आपने भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ी, इसको आप याद करोगे और कॉपी में लिखोगे। विद्यार्थियों,